सर्व समाज कल्याण सेवा समिति व हिंद संग्राम परिषद के संयुक्त तत्वाधान में दराखेड़ा स्थित पंचायती धर्मशाला में 14वां कोविड टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में 200 लाभार्थियों को कोरोना से बचाव का टीकाकरण किया गया। शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सर्व समाज कल्याण सेवा समिति के संरक्षक नरेश सैनी ने बताया कि कोविड टीकाकरण करवाने को लेकर आज लोगों में भारी उत्साह देखा गया और टीका लगवाने वाले लोगों की लंबी लाइनें लग गई। कैंप में 18 प्लस उम्र व 45 प्लस उम्र के व्यक्तियों को बिना बुकिंग के ही कोविड का पहला टीका लगाया गया। जिन व्यक्तियों के पास कोविड के दूसरे टीके का मैसेज आया हुआ था उन व्यक्तियों को भी आज कोविड का दूसरा टीका लगाया गया। कोविड का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, इसके लिए प्रदेश से कोरोना महामारी को हराने के लिए लोग बिना किसी डर व भय के कोविड का टीका लगवाकर कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में अपना योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर सर्व समाज कल्याण सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर सैनी, मीडिया प्रभारी तरुण वधवा, पुनित सेतिया, भारत भूषण कन्नूप्रिय भावना और हिंद संग्राम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुनिंदर मोदगिल, वरिष्ठ नागरिक दर्शन लाल सैनी मौजूद रहे। नमस्कार सभी को, और मैं आज सभी का जो हमारे विशेष है इससे जो वैक्सीनेशन कैंप को करा कर आज ये लगा हुआ है हमारी समिति और आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मैं सभी अपने बेनिफिशरीज का लाभार्थियों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस जो हमारी वैक्सीनेशन टीकाकरण जो अभियान चला हुआ है तो उसमें इन्होंने सहयोग दिया और समाज को एक तंदुरुस्ती तरफ जैसे हमारा ये है कि हमने टीकाकरण कराना है और स्वयं को बचाना है, तो इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। तो आज हमारा ये दराखेड़ा में 5-6 कैंप है, तो इसमें आई थिंक 2,500 लोगों को इस संस्था के द्वारा टीकाकरण कराया गया है। और मैं जो हमारी टीम है पीएससी गवर्नमेंट की टीम आती है हमारे यहाँ टीकाकरण करने के लिए और हमारे है और ये सब है हमारे टीम का सही हमारे दराखेड़ा निवासियों का सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बड़ा सहयोग कर रहे हैं इस टीम के अंदर। तो सर आपके भी धन्यवाद है कि आपने भी इस टीम को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करें कि वह आपसे धन्यवाद सर।